एक बहुत प्यारा सा एहसास होता है माँ बनने का। जब कोई औरत एक माँ बनती है तो कहते हैं महिला का शरीर होने के साथ ही माँ बनने का गुण उसे प्रकृति ने दिया है। जब माँ बनती है तो उसके अंदर ममता अपने आप ही आती है। अपने बच्चे को जब वो देखती है तो वो 9 महीने का पूरा जो उसे दर्द होता है, जो परेशानी होती है और पीड़ा, प्रसव पीड़ा के दौरान जो उसे दर्द होता है, वो सब कुछ भूल जाती है अपने बच्चे को देखकर। इसी ममत्व से संबंधित आज का प्रश्न है जो प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि आचार्य जी, आप बताते हैं कि माँ की ममता नवजात बच्चे की सुरक्षा के लिए होती है। ऐसा हम जानवरों में भी देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे नवजात बच्चा बड़ा होने लगता है, जानवरों में माँ के भीतर से उसका ममत्व तो कम होने लगता है, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं दिखता। मेरी माँ तो काफी मोह में नजर आती है, जबकि मुझे अब उनसे कोई सुरक्षा महसूस नहीं होती। कृपया इस ममता का कारण बताएं। अब इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरीके से दिया है आचार्य जी ने कि ममता का कारण यह है कि हमें जो चीज़ मन की ऊंचाइयों से मिलनी चाहिए थी, वह हमें चेतना की ऊंचाइयों से मिलनी चाहिए थी, उसे हम खोजते ही कहीं और रह जाते हैं। मन की शुरुआत होती है शरीर से। शरीर ना हो तो चेतना नहीं होगी, और चेतना जैसे जैसे सशक्त तो होती है, जैसे आगे बढ़ती है, उसे शरीर को छोड़कर अपना असली ठिकाना ढूंढना होता है। तो उम्र तो बढ़ती चली जाती है, माओं में ज्यादातर देखने को मिलता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, लेकिन चेतना जो है वो भी उम्र के साथ साथ शरीर से ही लिपटी रह जाती है, और वो उन ऊंचाइयों की तरफ नहीं बढ़ पाती जहाँ जाना चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए वो अपने अंगूठे को पी रहा है, चाहे वो हाथ का हो चाहे पैर का हो, अमूमन देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने अंगूठे को पीते हैं। छोटा बच्चा होगा तो नॉर्मल लगता है कि बच्चा है, बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन वहीं एक बड़ा व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहा हो तो बड़ा ही भद्दा लगेगा। तो इसी तरीके से ये भी एक अजीब बात है कि उम्र इतनी बढ़ती चली जाती है तो भी हम ममता के तौर पर चेतना को अपने से लिपटा कर ही रखते हैं। बच्चा जब छोटा है उसको माँ दूध पिलाती है, 4-5 साल तक उसका ख्याल रखती है, उसके पीछे खाना लेकर दौड़ती है, समझ आता है, 4-5 साल तक ही उसे उसका ख्याल रखना होता है। लेकिन बच्चा हो गया 18-20 साल का, 32 साल का, तो भी माँ दूध का गिलास लेकर उसके पीछे पीछे घूम रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ममता का सही मतलब नहीं है। अधिकतर तौर पे औरतें जो होती हैं उन्हें प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि माँ बनने का गुण उनके अंदर होता है। माँ बनते ही वो बच्चे में लग जाती हैं, ममता अपने आप आने लगती है, यहाँ तक कि गर्भधारण करने के दौरान से ही वो अपने बच्चे में लिप्त हो जाती हैं। लेकिन माँ वही है, माँ का जो किरदार है वो पशुवत ही होना चाहिए कि जब तक बच्चा छोटा है तब तक ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तब तक ही उसे, जैसे कि हम देखते हैं कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है या फिर कोई जानवर है, वो अपने बच्चे के साथ तब तक ही रहती है जब तक उस बच्चे को वो सुरक्षा दे पाती है, जब तक वो बच्चा चलना या उड़ना या दौड़ना नहीं शुरू कर देता, जब तक वो अपना खाना खुद खोजने लायक नहीं हो जाता, वो केवल तब तक ही उसके साथ रहती है। आप किसी भी गौरैया को देखेंगे तो उसके माँ को देखेंगे, वो अपने बच्चों को तब तक ही खाना दाना ला कर देती है जब तक कि उसके बच्चे दौड़ना नहीं शुरू करते। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो अपने बच्चे को उड़ना शुरू कर दे सिखा देती है, जैसे ही वो उड़ने लग जाते हैं तो वो गौरैया अलग और बच्चे अलग, लंबा नाता नहीं रखती है वो ज़्यादा उसके साथ में। वैसे ही होना चाहिए इंसानों के अंदर, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ माँ की ममता खत्म ही नहीं होती, माँ के मरने की उम्र के पास आकर भी माँ की ममता खत्म नहीं होती, कहती हैं कैसे छोड़ दें, बच्चे हैं मेरे। अच्छी बात है आप माँ हैं तो, लेकिन आप माँ बनी हैं तो थोड़ा चेतना के स्तर पर ऊंचा उठिए और उस बच्चे को भी ज्ञान देने की कोशिश कीजिए। माँ अगर चैतन्य होगी तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो उससे शारीरिक मोह जो है उसे कम करती जाएगी।
बच्चे की आंतरिक उन्नति के लिए तत्पर होते जाना चाहिए, पर ज़्यादातर माएँ चैतन्य होती नहीं। तो जो पशुबत हैं, जैसा सब माएँ कर लेती हैं, क्योंकि वह करने के लिए आपको कोई योग्यता नहीं चाहिए, महिला का शरीर है तो काम अपने आप हो जाता है बिना मेहनत किए। ममता अपने आप उठेगी ही जब महिला का शरीर है और बच्चा हुआ है तो। लेकिन ममता से आगे जाकर आपको अपने बच्चे के लिए एक पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। उसके लिए माँ को करनी पड़ती है मेहनत, आपको गुरु बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अमूमन माएँ ऐसा करती नहीं। एक नए तल पर माएँ आमतौर पर प्रवेश करती ही नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए श्रम और साधना का काम करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक माँ है जो बंदरिया के समान अपने बच्चे को अपने से लपेट कर घूमती रहती है। जिस बच्चे के लिए उसे प्रकाश बनना है, गुरु बनना है, अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर माओं ने गुरु बनने की योग्यता जिंदगी में हासिल की नहीं है। तो मार्गदर्शन दर्शक बनने की कोई योग्यता ही नहीं थी उसके पास, बस बच्चा पैदा हो गया यूं ही अंधेरे अंधेरे में, अज्ञानता में, और कई बार संयोग से पैदा हो गया। बस ठीक है, तब तक माँ बच्चे का पालन पोषण पशुबत ही करना था जब तक बच्चा 5 साल का था, बस तब तक ही उसको माँ को अपने बच्चे से चिपका के रहना था, वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं। माँ को बच्चे का प्रकाश बनना है, वह माएँ ही बन के रह जाती हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आचार्य जी आपको मैटरनिटी वार्ड से बड़ी समस्या है। हाँ समस्या है, क्योंकि आप मैटरनिटी वार्ड तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, वहाँ पर बिना तैयारी के ही। मैं शारीरिक तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपको शरीर मिला है महिला का तो ये तो होना ही है, 18 की उम्र में 21 की उम्र में ही आप वहाँ पहुँच जाती हैं। कानूनी तौर से आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि 18 वो आपकी सिर्फ उम्र देखेगा। समाज भी आपको नहीं रोकेगा क्योंकि वो यह देखेगा, समाज धर्म भी नहीं रोकेगा क्योंकि वो सिर्फ ये देखेगा कि जो बच्चा है वो आपके पति का है, उसे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे समस्या है, धर्म को कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है, क्योंकि अध्यात्म कुछ और पूछता है। अध्यात्म पूछता है कि अभी तुमने कोई आंतरिक योग्यता भी हासिल की है एक माँ बनने के लिए, या फिर यूं ही गर्भ धारण कर लिया? मजाक है क्या? अज्ञानता में किसी को जन्म दे देना एक अपराध करने के समान है। और बड़ी वजह यही है कि हम में से ज्यादातर लोग बस यूं ही पैदा हो गए हैं और यूं ही जिंदगी जिए जा रहे हैं। आपने बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन आप पूछेंगे अब बच्चे हम ज़्यादा नहीं पैदा कर रहे हैं, एक ही बच्चा पैदा करें क्या तो ठीक है आचार्य जी? तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, एक ही पैदा करो, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। मन कहाँ भरता है, एक से दो चार होने चाहिए। लेकिन इतनों के लिए रोजगार तो छोड़ दो, हवा पानी तो सुरक्षित छोड़ दो इस दुनिया में। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे पैदा मत करो, करो लेकिन एक करो, और उस एक को भी ऐसे ही पैदा ना कर दो। उसके लिए आप आंतरिक और बाहरी तौर से पहले मजबूत बन जाइए, सक्षम तो हो आप उस बच्चे को पालने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए। आंतरिक योग्यता हुई, आपको यकीन है कि आप जीवन को समझते हैं, आपको यकीन है कि आप जन्म और मृत्यु को समझते हो, जानते हो दो शरीर में क्यों इतनी चाहत होनी चाहिए कि एक तीसरे शरीर को उत्पन्न कर देते हैं, क्या आप समझते हो इन सभी बातों को? और भारी तरीके से कम कुछ न्यूनतम आर्थिक संसाधन होने चाहिए कि आप बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर पाए, उसको एक अच्छी शिक्षा दे पाए। अध्यात्म का अभी जानते हैं आप, ये बातें आंतरिक योग्यता प्रदर्शित करती हैं। जब आप एकदम निश्चित हो जाओ कि आपने बाहरी योग्यता भी है और आंतरिक योग्यता भी है, तब आप बच्चा पैदा कर लेना। तब भी पैदा करना तो मैं सुझाव दूंगा कि एक ही करना,
इस पृथ्वी पर अब गुंजाइश नहीं है। भाई आप नहीं समझ रहे हो बात को, हम 800 करोड़ हो चुके हैं, कितने लोगों के लिए खाना नहीं है, सांस लेने को हवा नहीं है सुरक्षित, पीने को पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, चलने को सड़क नहीं है। उस बच्चे को अगर खाना दोगे तो जाने कितने ही जंगल काटने पड़ेंगे एक बच्चे को खाना देने के लिए पूरी जिंदगी का, ना जाने कितनी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। जितने संसाधन चाहिए उतने अब इस पृथ्वी पर हैं ही नहीं। तो मैं कई दृष्टियों से बात करके बोलता हूं, मैंने कहा माँ बाप की बाहरी तैयारी, मैंने कहा माँ बाप की आंतरिक तैयारी, और फिर मैंने चर्चा की पृथ्वी की और संसाधनों की और पर्यावरण की। तो आशा करते हैं कि आप सभी इन बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।